प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर भू माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में झिंझरी एवं गुलवारा में शासकीय भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण पर राजस्व और पुलिस ने कार्रवाई की। लगभग 100 करोड़ मूल्य की 55 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि सुरक्षित की गई। हाथ ठेला लगाकर अपनी आजीविका कमाने वाले छोटे व्यवसायियों को मिलने वाले ऋण की मंजूरी में विलम्ब न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उमेश पांडे से भेंट के दौरान कहा। श्री पांडे आज मुख्यमंत्री से मिलने उनके निवास पर गए हुए थे। कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत आज पुलिस एवं प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने टीका लगवाया। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने भोपाल में टीका लगवाया। ग्वालियर कमिश्नर आशीष सक्सेना ने ग्वालियर में, जौलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जौलपुर में टीका लगवाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश में संचालित बड़ी शासकीय एवं निजी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। सारणी ब्लॉक कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे कोयला खदानों के निजीकरण के विरोध में सारणी ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए पूछा कि क्या देश की नीलामी ही विकास है। बेंगलुरु में चल रहे नेशनल उद्यानिकी फेयर 2021 में मंडला जिले में बनने वाले कोदो कुटकी के कुकीज की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पोषक तत्वों से परिपूर्ण कोदो कुटकी कुकीज की इस मेले में खासी मांग है। स्थानीय ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल की कार्यकारिणी की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रत्येक बच्चे को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़े रखने तथा सभी से ट्यूशन फीस लेकर शिक्षकों का मानदेय भुगतान करने की बात कही गई। फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड-19 का टीकाकरण करने के लिए सत्रों का आयोजन। जिले स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र पर 9 सत्र एवं जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर के 3 सत्र सहित जिले में कुल 12 सत्र लगाए गए। फ्रंटलाइन वर्कर्स को कुल 624 टीके लगाए गए हैं। रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश चौरसिया एवं प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनिल गुप्ता के सहयोग से महाविद्यालय में अध्ययनरत 143 छात्राओं के निःशुल्क लर्निंग लाइसेंस बनाए गए। खनिज जांच नाकों में जो पटवारी की ड्यूटी लगाई जा रही है उसे निरस्त कराने की मांग को लेकर आज पटवारी संघ ने कलेक्टर मंडला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि 13 स्थानों पर दिन और रात की ड्यूटी पटवारियों की लगाई जा रही है।